आप सबका मेरे चैनल आहारांजलि में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल वड़ा और टमाटर की चटनी। एक कटोरी चना दाल रात भर पानी में भिगोए, इससे यह अच्छे से फूल गई है। इससे वड़ा फूल जाता है, स्पंजी होता है। रात भर पानी में भिगोने से दाल पचने में हल्की होती है। दाल में जो प्रोटीन्स होते हैं वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाते हैं। एक कटोरी कटा हुआ प्याज ले, कढ़ाई को हल्का सा तेल का हाथ लगाए और उसमें ये कटे हुए प्याज भून ले। मिक्सी के पॉट में दाल ले, भुने हुए प्याज डाले, स्वाद अनुसार एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार एक चम्मच नमक डाले। अब इसे मिक्सी में पीस ले। अगर इसमें मॉइस्चर ज्यादा हो तो इसमें चना दाल रवे जैसा पीस कर डाले, इससे कि ये मॉइस्चर सोख लेगा। इसमें 3 चम्मच पीसा हुआ चना दाल डाले, जो कि हमारा की इंग्रेडिएंट है। पर हमारा बैटर बिल्कुल नरम है और इसमें मॉइस्चर नहीं है। अब हम इस बैटर को वड़े का शेप दे देंगे और गरम तेल में फ्राई करेंगे। अब हमारे वड़े तैयार हो चुके हैं। एक कटोरे चना दाल से 10 वड़े बनते हैं। इन्हें हमने तब तक फ्राई किया है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुए। टमाटर की चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ले, 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच जीरा डाले, 2 टीस्पून सिंगा दाना डाले, कटा हुआ प्याज डाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच शक्कर मिलाए, कटा हुआ टमाटर डाले। अब इसमें तेल छूटने लगा है, इसे ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ दे। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब इन वड़ों को खट्टी मीठी कड़ी और टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। खट्टी मीठी कड़ी का वीडियो हमने आहार अंजलि पे पहले से दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो कैसी लगी आपको हमारी चना दाल का वड़ा और टमाटर की चटनी, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, आपके परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल आहार अंजलि को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।